सो गाइस, मैं आई हूँ आज मीनास पॉटरी पर, जहाँ पर बनती है पॉटरी। और मैंने आपको सारा इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी कि कैसे पॉटरी बनती है। बल्क में आप ऑर्डर देते हो तो उसका बिहाइंड द सीन क्या होता है। हम तो सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखते हैं कि जो हमें कहीं डिस्प्ले होता है, तो वो आपको इस सारी फैक्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलो, मैं लेके चलती हूँ। मैं आई हूँ आज ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर बनती है पॉटरी। तो ये है इनका फर्स्ट प्रोसेस, जहाँ पर सारा स्टोनवेयर तैयार होता है, लाइक कहते हैं ना रॉ फॉर्म में, एंड फिर रॉ फॉर्म में मशीन में जाता है। फिर उसके बाद वो सबसे पहला वाला स्टेप तैयार होता है यहाँ पर, सो दैट वो किसी की भी शेप उससे ले सकते हैं, मतलब जो भी वो बनाना चाहते हैं, फॉर मग, प्लेट्स एंड एवरीथिंग, वो सब इसी से तैयार होता है। आ गई हूँ एक ऐसे प्रोसेस पे जहाँ पर ये ना मिट्टी को सांचे के अंदर डालते हैं। फिर वो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मग बनाना है या फिर कोई प्लेट बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो अभी ये बना के दिखा रहे हैं भैया कि कैसे वो अपनी शेप ले लेता है। सो इसमें ये डालेंगे अपनी जो ये मिट्टी रखी हुई है वो इसमें डालेंगे, एंड फिर वो अपने आप उस शेप को लेगा। ये देखिए, वो प्रोसेस भी शुरू हो गया, जो एक्स्ट्राज है वो निकल रहा है। बन भी गया इतनी जल्दी? भैया गुस्से में भी है थोड़े से ना, है ना? देखो कितनी जल्दी बन गया, एक्स्ट्राज अपने आप निकल रहा है। ये है मोल्डिंग टेक्निक। आप देखते हो कोई भी चीज कैसी दिखती है, जिसको बोलते हैं ना सांचा, जैसे इडली का सांचा होता है, इडली डाल सूजी डाल देते हैं इडली बन जाती है। सो वैसे ही ये है, सो दैट वो अपनी शेप में ले ले। अब जैसे आप देख रहे हो ये बटर डिश ट्रे है, किस तरीके से ये फॉर्म हुई है, यहाँ पर सारा वो होता है। उसके बाद ये निकालते हैं इसमें से, और फिर देखते हैं कि हमारी जो शेप है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये प्रोसेस है जो यहाँ पर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आ गई हूँ एक ऐसी टेक्निक की तरफ जहाँ पर आपने देखा होगा कि कप के भी हैंडल्स होते हैं ना, तो वो हैंडल कैसे बनते हैं, हैंडल अलग बनते हैं, कप अलग होता है। अब आप देखो भैया कैसे लगा रहे हैं, मतलब उस हैंडल को उस कप में लगा रहे हैं, जो हमें कुछ अलग ही दिखते हैं कि वो कप में हमें ये नहीं पता होता वो कैसे लगाए, क्योंकि ऊपर पेंटिंग हो जाती है, काफी सारे प्रोसेस है जो हो जाते हैं। एक्चुअल में वो हैंडल ऐसे लगते हैं जैसे वो दिखा रहे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ पोरिंग टेक्निक पे, जहाँ पर आपने देखा होगा कि ये कलर था, फिर उसके बाद इन्होंने ये ऑरेंज कलर इसमें डाला, अब ये इसी कलर का हो जाएगा। सो ये भी एक प्रोसेस है जो इसी में इंक्लूडेड है। तो गाइज, अब मैं आ गई हूँ एक ऐसे प्रोसेस पे जब ये कर रहे हैं इसमें ग्लेजिंग, एज इन अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो आप ये, अब इसके बाद ना ये यहाँ से इसको साफ करेंगे, इस प्लेट को यहाँ पर इस प्रोसेस में क्लीन करेंगे इसको। सो अब मैं आ गई हूँ एक ऐसे प्रोसेस पर जब ये सब यहाँ पर आकर फिनिशिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हो वुमेन, यहाँ पर वुमेन भी काफ़ी सारी हैं और अपना काम कर रही हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग तरीके से वो लोग काम कर रही हैं। हमें तो सिर्फ ये दिखता है कि ये वाली जो क्रॉकरी है वो महंगी है, ये आप बिहाइंड द सीन देखो कि कितना हार्ड वर्क यहाँ पर होता है, उसके बाद उसको कैसा वो दिखता है। तो मतलब कहते हैं ना, जब तक हम किसी चीज़ का पीछे का नहीं देखते कि कैसा है वो, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो हमें जब एक कप की हम कॉस्ट देखते हैं कि 500 रुपये, 600 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, वॉट एवर, तो हम ना जज नहीं कर पाते उतनी जल्दी। बट अब जब आप पीछे बिहाइंड द सीन देख लेते हो ना, तो आपको खुद पता चलता है कि कितनी मेहनत उस चीज़ के पीछे होती है। मैंने एक छोटे से कप के पीछे भी 10 प्रोसेस होते हैं, तब जाके एक कप बनता है। और सबसे बड़ी बात, वुमेन भी यहाँ पर हैं, काम कर रही हैं, तो आप देखो कि वुमेन को भी उन्होंने इतना काम दिया हुआ है, इतने लोग पीपल आर वर्किंग, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पर देखकर। तो अभी मैं आई हूँ हैंड पेंटेड डिपार्टमेंट में, आइए अंदर देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि ये लोग ना क्रॉकरी पे हैंड पेंट कर रहे हैं, और वो भी कितना बड़ा है, मतलब अंदर तक पूरा एरिया है, और कितने अच्छे तरीके से लोग पेंट कर रहे हैं, कितना ब्यूटिफुल ये लग रहा है। आई एम सो मच हार्ड वर्क एज यू कैन चेक, एंड सो मैनी क्रॉकरीज देयर। आप यहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी कैटल्स हैं, काफ़ी ब्यूटिफुल कप्स हैं, क्या हैंड पेंटेड है ये,
कितना ब्यूटीफुल है, काफी हैवी है। प्राइसिंग अगर अगर की बात करूँ तो मैं प्राइसिंग आपको दूसरे सेक्शन में दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लोग कैसे हैंड पेंट करते हैं क्रॉकरी के ऊपर। सो अब चलते हैं हम दूसरे डिपार्टमेंट में। अब मैं आ गई हूँ हैंड पेंटेड डिपार्टमेंट में, जो सेकंड डिपार्टमेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये उस डिपार्टमेंट में मैंने आपको दिखाया था कि हैंड पेंट कर रहे हैं, यहाँ पे उसी पॉटरी के ऊपर ये लोग फ्लावर बना रहे हैं। अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है और कैसे ये बना रहे हैं अपना फ्लावर, किसी भी मतलब क्रॉकरी के ऊपर ये कैसे फ्लावर बना रहे हैं। ओह माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है। अभी तो इस पे पेंट भी होगा, है ना भैया? अभी इस पे पेंट भी होगा ना? अब ये सिर्फ फ्लावर लगा रहे हैं उसके ऊपर ना। अब मैं आ गई हूँ इस कोनिंग डिपार्टमेंट पे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे आप देखते हो ना मेहंदी लगती है, कोन में भर के मेहंदी को लगाया जाता है लोगों के हाथों पर, तो ऐसे ये है कोनिंग डिपार्टमेंट जहां पर कोन लग रहा है किसी भी पॉटरी के ऊपर। और देख लो कितना, और मुझे लगता है जब ये पेंट हो जाएगा ना उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली ये कैसा दिख रहा है। अभी तो ये सूखेगा ना भैया ये पहले, है ना? उसके बाद इस पे पेंट होगा, राइट? हाँ, तो पेंट होने के बाद फिर ये एकदम अलग डिजाइन हो जाएगा, तो फिर लगेगा कि उसके अंदर ही चला गया है, जैसे सारा कोन अभी जो लगा है ना ऊपर से मेहंदी, वो इसकी पॉटरी की मेहंदी, वो ऐसा दिखेगा ये, जैसे ये ना ऐसा लगेगा ये। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, कोई कह नहीं सकता कि पहले इस पे मेहंदी लगाई है एंड फिर ये सूख गया। सो अब चलते हैं हम दूसरे डिपार्टमेंट। तो काफी सारे प्रोसेसेस मैंने आपको वीडियो में दिखा दिए, तो ये है फाइनल प्रोडक्ट से एक पहले वाला प्रोडक्ट जहाँ पर सारी चीजें स्टोर की जाती हैं, लाइक जब इस पे पेंट हो गई, पूरा कोन हो गया, फ्लावर्स लग गए। अब देखो सारा यहाँ पर रखा हुआ है सूखने के लिए, एंड उसके बाद फिर एक लास्ट प्रोसेस होगा जब फाइनल टच होगा, जिससे मैं बताऊंगी आपको कि प्रोडक्ट कैसा था और कैसा हो गया है। जैसे मैं बात करूं इसकी, आप देख सकते हो ये देख रहे हो, अभी आपको रॉ फॉर्म में ये दिख रहा है क्योंकि लास्ट से पहले वाला है, अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसी का फाइनल कि कैसा लगता है, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। गाइस अब मैं आ गई हूँ एक ऐसे प्रोसेस पे जो फाइनल प्रोसेस है। तो ये इनकी है भट्टी, जहां पर यहाँ पर ये सामान सारा लोड होता है, फिर ये 1180 डिग्री वाले सेल्सियस पे पकता है, और फिर उसके बाद ये वहां से, ये पूरा चैम्बर है पीछे, तो वहां से ये इस प्रोसेस पे आता है, फिर यहाँ से ये अपना माल सारा लोड करते हैं, वहां से लोड होता है, यहाँ से अनलोड होता है, फिर उसके बाद होती है ब्रांडिंग। तो वो है ब्रांडिंग, वहां पर आप देख सकते हो कि जो फाइनल प्रोडक्ट आया है वो ये है, और इस पे आप अपनी ब्रांडिंग करा सकते हो अकॉर्डिंग टू यू नो जो भी आपके ब्रांड का नेम है। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस में। इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ गैलरी में, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट शोकेस किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ विद द प्राइस रेंज, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, तो मैं आपके लिए। अब मैं आऊंगी अपने प्राइसिंग वाले रेंज पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस प्राइस में हम ये खरीद सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आ गई हूँ पैकिंग डिपार्टमेंट पे। अब ऑर्डर भी बन गए, सब ने तैयार भी कर दिया, अब फाइनल है, लोगों के घर तक डिलीवर भी तो करना है, लोगों के काम तक डिलीवर भी तो करना है जिनके इनके पास ऑर्डर आए हैं। तो ये है वो डिपार्टमेंट जहाँ पर सब लोग क्लीन करके उन्हें लास्ट प्रोसेस में डब्बे के अंदर पैक करके दे रहे हैं। तो आप देखो कितना सारा ये पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बल्क में इनके पास ऑर्डर्स हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल, तो ये लोग ऑर्डर पैक कर रहे हैं। सो ये है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें तो आपके घर पे जो आप देख रहे हो एंड प्रोडक्ट वो आपको दिख रहा है, किसी शोरूम के अंदर तो आपको दिख रहा है, तो ये है एंड प्रोसेस। आ गई हूँ मैं गैलरी सेक्शन पे, जहाँ पर इनके सारे प्रोडक्ट्स अंदर डिस्प्ले में है। मैं दिखाती हूँ आपको प्राइस रेंज से लेके कैसे कैसे आइटम्स इनके पास हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, मैं सब आपको दिखाती हूँ। तो ये सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कप्स हैं, प्लेट हैं, कप में भी स्मॉल कप्स हैं, देखो किड्स के लिए कितना छोटा सा प्यारा सा वहाँ है। और थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कैंडल्स रखी हुई हैं, वास का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये, बहुत प्यारा लग रहा है और काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब रेंज इनकी शुरू हो जाती है 50 रुपीज़ से, 60 रुपीज़ से, छोटे छोटे से कप विद सॉसर, तो पूरा सेट आपको यहाँ पे मिल जाता है 60 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ का,
80 रुपीज़ का। और अगर मैं बात करूँ कलेक्शन की, तो शायद मुझे ऐसा लगता है खुर्जा में ना सबसे अच्छा कलेक्शन आपको इनके पास मिलेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ और भी यूनिक यूनिक चीज़ें जो इनके पास आपको मिलेगी। अब देखो, मैंने अपनी वीडियो में ना आपको हैंड पेंटेड वाला काम दिखाया था, उसका आउटकम ना कुछ ऐसा आता है। जैसे आपको पूरे दिल्ली NCR में ऐसी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। अचार पिकल रखने का ना। आगे दिखाती हूँ और भी बहुत सारे आइटम आपको इनके पास मिलेंगे। प्लेट देखो कितनी कितनी प्यारी ये प्लेट है। ये देखो अलग से डिजाइनर प्लेट्स हम बोल सकते हैं इसको ना। आपके घर पे कोई भी मेहमान आता है, दूर से आता है, तो उसको तो मुझे लगता है वो ये सोचेगा खाने से ज्यादा उसका ध्यान इन चीजों में होगा कि कहाँ से ली है। आप बता सकते हो कि खुर्जा में है बेस्ट पॉटरी जहाँ पर मिलती है एक से एक कलेक्शन। जैसे ये मग, जब मैं यहाँ पर आई थी तो इन्होंने मुझे कॉफ़ी दी थी और कॉफ़ी के लिए मुझे यही वाला मग मिला था, तो मेरी कॉफ़ी से ज़्यादा इस कप की तरफ मैंने देखा कि यार ये कप कितना ब्यूटीफुल है। और मैं आपको दिखाती हूँ बटर डिश जो मैंने अलग से निकाल के रखी थी कि मेरा मन कर गया मैं इसको अपने घर ही ले जाऊँ, तो ये है देखो इस पर भी दिल बने हुए हैं। अलग से मन करेगा ना आपका बटर खाने का, आप डाइटिंग पे हो तो भी बटर खाओगे क्योंकि आपको बटर डिश पर से निकालना है। आइए, ये इनका पूरा कलेक्शन है जहाँ पर काफ़ी सारे होम डेकोर आइटम्स आपको मिलेंगे। जैसे ये प्लेट ना कई बार लोग होम डेकोर के लिए यूज़ करते हैं कि दीवार पे लगाने के लिए, वॉल पे लग गई। वासेस का बहुत अच्छा कलेक्शन है, एक ही नहीं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। कुछ हैंड पेंटेड हैं, कुछ मैंने आपको बताया था कि ये लोग मेहंदी कोनिंग करते हैं, जैसे कोन होता है ना मेहंदी के ऊपर वैसे करते हैं। फिर ये आ गया पूरा वासेस का वास कलेक्शन, और ये वास शुरू होते हैं इनके 1800-1900 रुपये का। जैसे ऊपर वाला है दैट इज़ कॉल्ड 1800, और काफ़ी सारे हैं। जैसे ये इनके 5000-6000 की रेंज है इस इन वाले वासेस की। और काफ़ी सारी कैटल्स, कैटल्स जो बहुत प्यारी लगी, जैसे ये देखो ब्लू वाली कैटल बहुत प्यारी है। मुझे लगता है शायद ये चाय के लिए कम, ये शोपीस के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे लोग, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे हमारे रिलेटिव ज़्यादा हैं, कोई भी तो देख सकते हैं और पूछेंगे ज़रूर कि कहाँ से लिया आपने ये क्रॉकरी, तो आप बता सकते हो। खुर्जा में सारा एड्रेस एंड कहाँ पर है पूरी डिटेल्स विद द प्राइजेस एवरीथिंग सब कुछ मैं डाल दूंगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, वो है ये जिससे मैंने सबसे पहले आते ही इसी पे मेरा ध्यान गया था, क्योंकि आपके घर में अगर किड्स है ना तो उनके लिए तो ये परफेक्ट कप एंड सॉसर है, क्योंकि इसकी सिर्फ प्राइजेस 50 रुपीज़ से शुरू होती है। एंड 50 रुपीज़ से शुरू होते हैं एंड क्लोजेज लाइक 90 रुपीज़। कोई 90 रुपीज़ का है, कोई 60 रुपीज़ का है, कोई 60 रुपीज़ का है, कोई 90 रुपीज़ का है, कोई 80 रुपीज़ का है। तो वो वाली इनकी सारी क्वेरी सारी ये प्राइजेज हैं। अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो किड्स वाले सॉसर में ही इनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज हैं, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर। और एक है किड्स में हैंड पेंटेड जो आपको दिख रहा है कुछ इस कलर का, ये उनका शुरू हो जाता है 100 रुपीज़ से। काफ़ी अच्छा है ये, मतलब आप बच्चों के किसी रिटर्न गिफ्ट में देना चाहते हो, किड्स का बर्थडे आ रहा है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ भी ये इन हाउस नहीं रखते हैं, सब कुछ आप ऑर्डर पे ही बनवाओगे। आप इनको अगर बल्क है कुछ भी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इन लोगों को क्वेरी दे सकते हो इनको ऑर्डर्स, तो ये लोग आपको घर पे डिलीवर करा देंगे जहाँ पे भी आपको अपने बिजनेस पर्पज से चाहिए, जैसे भी चाहिए। उसके अलावा एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, दैट इज़ फॉर इंटर्नशिप। तो ये लोग इंटर्नशिप फ्री में कराते हैं। आई मीन अगर आप आर्ट स्टूडेंट है, आप चाहते हो अपनी इंटर्नशिप करना, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ अमाउंट ये आर्ट स्टूडेंट के लिए और वैसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है जिनको आर्ट नहीं आती, तो ये लोग सिखाते हैं। तो आप यहाँ से अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी, आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अगर बात आती है बल्क ऑर्डर्स की, तो आप बल्क ऑर्डर्स ये लेते हैं, मतलब आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। मैं बोलूँगी अगर आपके घर पे कोई बर्थडे आ रहा है, आपके किड्स का कोई बर्थडे आ रहा है, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो यहाँ से आप काफ़ी सारे गिफ्ट्स ले सकते हो अपने अपने रिलेटिव्स को देने के लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स सबके लिए आप यहाँ से गिफ्ट्स ले सकते हो। क्योंकि आजकल होम डेकोर और घर के किचन वेयर तो सबको चाहिए होते हैं, और ये काफ़ी अच्छा गिफ्टिंग पर्पस है। आपको हैम्पर्स बनाने हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, किड्स के लिए, बड़ों के लिए, अपने घर के लिए आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मैं बोलूँगी कि खुर्जा में अगर आ रहे हो ना आप, तो इसको मिस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि खुर्जा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है, क्योंकि यहाँ पर बनती है पॉटरी। और मैं इनका आपको एड्रेस डिटेल सब कुछ डाल दूँ। तो गाइज एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ऐसी मार्केट और पता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटिंग आइटम्स मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं जरूर एक्सप्लोर करूंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय।